देखो टाइस प्रॉब्लम है, आप साइन कॉस में चेंज करिए तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। तो न्यूमरेटर को लिख सकते हैं कॉस टू ए और डिनोमेटर को लिख सकते हैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन टू ए। ठीक है, ए हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये टू साइन टू ए हो जाएगा, साइन टू ए हो जाएगा, दैट इज़ टू कॉट टू ए आंसर हो गया डी ऑप्शन।